ये हमारी नॉलेज शेयरिंग बाल सभा चल रही है। क्या चल रही है? है ना? ओके, अब हम बुलाएंगे जो हम जैनब मैडम को। जल्दी जल्दी आइए। अब हम बुलाएंगे हिंदी, संस्कृत और मैथ्स की विद्वान मैडम को। उषा मैडम, क्लैप फॉर उषा। लीजिए पूछिए। ओके, ध्यान से सुने, जोर से बोले मैडम। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरे प्रश्न यही इसी प्रोग्राम से जुड़े और बहुत सरल से और आसान से, ठीक है? तो जवाब आसानी से जल्दी से दे देना। अभी हम यहाँ जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया, ये किस कारण से किया, क्या मना रहे हम, कौन बता सकता है? वसंत पंचमी। फिर मेरा दूसरा प्रश्न है, मुझे आप ये बताइए कि आज कौन सा वार है? कौन सा वार है? बुधवार, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है, नहीं ब्लैक डे नहीं, आज अगला प्रश्न है कि हम शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं? शिक्षक दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन किसकी याद में मनाते हैं? किसने हमें दिया ये दिन, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? इधर से सर बुलाओ, आ जाओ बेटा इधर, एक मिनट, आ जाओ, जोर से बोलो। डॉक्टर राधा कृष्ण। पूरा नाम बोलो सर। पूरा ओके, कौन बताएगा पूरा नाम? आ जाओ, चलो तुम आ जाओ। ये तुम्हारी क्या चेन टूट गई क्या? कोई बात नहीं बोलो। ओके, नाम जोर से बोलो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। वेरी गुड क्लैप फॉर आरो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, आपका विद्यालय कौन से जिले में आता है? वेरी गुड, और भी सर। आपके विद्यालय के प्राचार्य महोदय का नाम क्या है? श्रीमान सुनील कुमावत, ऐसे बोलो। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के निर्देशक महोदय का नाम क्या है? वेरी गुड, आप बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। अब जो सवाल आए, अब जो स्कूल से ऊपर भी आना है और वो सवाल भी करना है, खैर तो अब हम बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट टीचर को। नेक्स्ट जो है, जो हैंड रेस करेगा, बहुत अच्छी बात है। आयुषी मैडम, क्लैप फॉर आयुष मैडम। यस मैडम, हाँ वो यही रहेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सब रेडी है? ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्टेट में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वो कहाँ है? यस, राइट आंसर इज देवास। प्रिंटिंग प्रेस मतलब नॉट प्रिंटिंग प्रेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNO? Yes, United Nation Organization is the correct answer. Okay. My third question is,
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस नो? गलत जवाब. हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस यू. यस श्रीमती निर्मला सीतारमण इज करेक्ट आंसर. ओके वेरी गुड. क्लैप फॉर आयुषी मैडम. वेरी गुड. उसका ओके करेक्ट आंसर के लिए क्लैप फॉर अनुराग आल्सो. ओके नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर जितेंद्र सर. आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल जा रही है. गुड मॉर्निंग ऑल. ओके कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं और क्योंकि अभी यही क्वेश्चन प्रिपेयर हो पाए हैं और कुछ सोशल साइंस से क्वेश्चन भी है. कुछ सोशल साइंस से क्वेश्चन भी है. आवाज़ आ रही है मेरी सभी लोगों तक? अच्छा चलो ठीक है. तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव भी हुए थे. ठीक है मध्य प्रदेश में चुनाव भी हुए थे तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कितनी विधायकों की सीट है? हाँ. मध्य प्रदेश में विधायकों की सीट कितनी है? 230. सही जवाब है 230. क्लैपिंग फॉर आ रहा हूँ. मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. आवाज़ आ रही है सभी तक? अभी जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे, अब जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं. ठीक है तो वो हर स्टेट में होंगे. ठीक है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन कि लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है? लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है? अट्ठाईस नहीं है, 29. ओके ओके इसका सही जवाब है 29. 29. ठीक है बस 28 प्लस ऐसे नहीं होता है. 28 प्लस तो ऊपर बहुत सारा हो सकता है फिर. ठीक है सही जवाब है 29. 29. अब थर्ड क्वेश्चन है कि जब भी चुनाव होने के बाद गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए जितनी भी सीट है उसमें से कितनी सीट को जितना जरूरी होता है? 145. ऐसा नहीं, जितनी भी सीट है उसमें से कितनी सीट को जितना जरूरी होता है? मेजोरिटी कितने पे आती है? वेरी गुड. वेट. हाँ चालू करो उसको. हेलो. हाँ जोर से बोलो सही जवाब बताओ. 50% से ज्यादा. 50% से ज्यादा. एग्जाम्पल के लिए यदि किसी क्लैपिंग फॉर ओजस. अब आप लोग सुने थोड़ा सा. यदि किसी स्टेट में मान लिया जाए कि 100 सीट है तो उसमें गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 50 से ज्यादा सीट होनी चाहिए. यदि आपके पास 51 सीट भी है तो आप वहां पे गवर्नमेंट बना सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 50% से ज्यादा सीट वहां पर जीतनी पड़ेगी. क्लियर है सभी को थर्ड वाला क्वेश्चन? चलिए अब एक दो क्वेश्चन जो है वो मैथ से हो जाने चाहिए. एक दो क्वेश्चन जो है वो मैथ से, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि लगभग 5th क्लास से ही आप लोगों को सिखाया जाता है लेकिन जो क्लियर है वो आप लोगों को 8th या 9th क्लास तक भी नहीं होता है. तो सबसे हाँ सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, प्राइम नंबर क्या होता है?
विनय एक मिनट ओके विनय आओ क्या बताओ जो टू से डिवाइड हो जाए जो टू से डिवाइड हो जाए और कोई अथर जो टू से डिवाइड हो नहीं सही आंसर सर जो वन से और खुद की टेबल से ही डिवाइड हो एक ऐसा नंबर जो केवल वन से और खुद से ही डिवाइड हो वही क्या होता है आपका प्राइम नंबर जो टू से डिवाइड होता है उसको बेटा इवन नंबर कहते हैं ठीक है वो प्राइम नंबर नहीं होता है ठीक है थैंक यू आथर्व